जय श्री कृष्णा दोस्तों, 1 से 6 यूनिट तक अपन ने सर वन लाइनर जीके डाला है। अब आज अपन 7 यूनिट परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और उनके गुणधर्म का अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, दोस्तों रदरफोर्ड के प्रयोग में किन विकिरणों का प्रयोग किया गया? तो रदरफोर्ड जो था उसमें उन्होंने अल्फा बीटा गामा एक्स इसमें से किसका प्रयोग किया था, अल्फा का किया था। दोस्तों अल्फा है क्या वास्तव में? एक हीलियम तत्व है, 2He4। और बीटा क्या बोलते हैं? बीटा को बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन। और गामा क्या बोलती हैं? एक आवेश विहीन रेडिएशन होती है दोस्तों। ओके, सेकंड क्वेश्चन, पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? दोस्तों पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है दोस्तों परमाणु, परमाणु जो अविभाज्य होता है दोस्तों। ओके, तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण किसने किया था? सबसे पहले जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया था वो मेंडलीफ ने किया था दोस्तों। ओके, चौथा क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी पदार्थ के किस गुण पर आधारित हैं? देखो दोस्तों सब जो आधुनिक है वो है परमाणु क्रमांक पे, और जो मेंडलीफ ने किया था वो किसके आधार पर थी? परमाणु भार पे थी दोस्तों। ओके, पांचवा क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त हैं 7 और वर्ग है 18। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आवर्त सारणी में परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग कितने हैं दोस्तों? 7। तो अगर अपन आवर्त कितने 7 दोस्तों, वर्ग है 18। अगर एक से जैसे पहला आवर्त ऊपर से नीचे जा रहे तो उसका जो परमाणु आकार होगा वो हमेशा बढ़ेगा दोस्तों। ओके, सातवां क्वेश्चन दोस्तों, वांडरवाल त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या से होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, समान होती है? दोस्तों बड़ी होती है। ओके, आठवां क्वेश्चन दोस्तों, एक लघु आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? लघु आवर्त कौन सा है अपने पास? लघु आवर्त में तत्वों की संख्या होती है दोस्तों 8। कितनी होती है? 8 दोस्तों। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, किस तत्व की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है? यानी विद्युत ऋणता का मतलब क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है वो दोस्तों होती है फ्लोरीन की। ओके, दसवां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक धात्विक गुण किस वर्ग के सदस्य होते हैं? सर्वाधिक धात्विक गुण मतलब जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज कौन सा वर्ग शो करता है दोस्तों? वो करता है फर्स्ट दोस्तों। ओके, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या एन का मान बढ़ने पर कक्ष की ऊर्जा क्या होगी? देखो दोस्तों एन का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगी दोस्तों। ओके, बारहवां क्वेश्चन दोस्तों, एम किस ऊर्जा स्तर को दर्शाता है? एम दोस्तों अपने को पता है के एल एम, तो एम कौन सा नंबर पर है दोस्तों? तीसरे नंबर पर। तो कौन सा ऊर्जा स्तर होगा? थर्ड। फर्स्ट कौन सा होगा? के, सेकेंड एल, थर्ड एम। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु का धनावेश स्थित होता है यानी परमाणु में धनावेश कहाँ होता है दोस्तों? नाभिक में होता है, संपूर्ण परमाणु में होता है, कक्षाओं में होता है या नाभिक और कक्षा मध्य? दोस्तों अपने को पता है नाभिक जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? अपना प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेश होता है दोस्तों, तो नाभिक में। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सिलिकॉन है, सिलिकॉन मतलब अपने पास एक धातु है दोस्तों, तो वो क्या है? धातु है, अधातु है या उपधातु है? सिलिकॉन जो होता है वो दोस्तों होता है उपधातु, यानी इसमें दोनों गुण होते हैं, धातु के भी और अधातु के भी। ओके, 15वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n² दोस्तों, यानी n, n क्या होता है दोस्तों? कोष की संख्या होती है। ओके, जैसे पहला कोष है तो n बराबर 1, तो 2 × 1 कितना होगा? 2। अगर दो नंबर पे कोष है तो कितने पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8। 3 है तो 18, ऐसे चलेंगे दोस्तों। ओके, 16 क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? डोल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डोल्टन ने। तत्व क्या होता है दोस्तों? तत्व किसे कहते हैं दोस्तों? तत्व के सभी कण एक ही प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, जो क्या हो सकते हैं, या तो परमाणु या अणु, जैसा आप चाहो उसको बना सकते हो। 18वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों का अन्य नाम किसे कहते हैं? उनको अन्य किस नाम से जाना जाएगा? अंतः संक्रमण तत्व। ओके, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके दोस्तों, 9th नंबर क्वेश्चन, 1900 अधिकतम विद्युत ऋणा अधिकतम विद्युत ऋणता वाला तत्व कौन सा होता है? अभी दोस्तों एक क्वेश्चन पहले ऊपर भी ये रिपीट हो रहा है दोस्तों, फ्लोरीन। ओके, 20वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, धातुएं क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है दोस्तों। ओके, जय श्री कृष्णा दोस्तों, 7th नंबर यूनिट में अपन 20 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस